अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब हेल्दी से होंगे। सो मैंने कहा चलें आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आप तो बस ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लॉग एंड तक वॉच करें। तो चलते हैं चैनल को कह रही हूँ, चलते हैं ब्लॉग को शुरू करें। ठंडे बिच है ना, हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या। वो सुबह हो गई हुई है, मैं कह रही हूँ सुबह हो गई हुई है, 11 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग आशा, देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप कि लड़की को जब भी कुछ कहूँ तो आप उसे चीहे मारती है। फिर आप कहते हैं इसके साथ प्यार से बात करा करें, प्यार से बात करा करें। इधर जो मेरी मामा ना ठंड के अंदर जो है ना वो कपड़े धो रही हैं, और हमारी मशीन हो गई है ख़राब मशीन की शक्ल से। ओ मशीन का बूथा तो चेक करें, मशीन का बूथा कैसा आ रहा है अंदर। ये देखिए सर, मामा बोली बूथा ही कल कहते हैं क्या। नहीं मैंने तो ऐसे ही बात कर लिया, मुझे ऐसे मजे आते हैं लफज बोल के। तो यहाँ तो बेहद ठंडक वाला काम हो रहा है भाई। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि मैं आप ना ब्लॉग जो है ना ऐसे बनाया करें कि पहले घर की रूटीन थोड़ी सी शेयर किया करें और फिर जो है ना ब्लॉग बनाया करें, आगे से ट्यूटोरियल वगैरह ऐड करा करें। मेरे घर में सुस्त माहौल है, सुस्त बिल्कुल सुस्त माहौल है। और मेरे हाथ पांव ऐसे जैसे कि मैं बर्फ़ वाली जूती पहनी हुई है और बर्फ़ वाले ग्लव्स पहने हुए हैं। हाथों में पला के पहने कोई भी नहीं है। ठंडक बहुत ज़्यादा ठंडक है, रात होती है ना तो फिर हम सारी चीज़ें अंदर रख देते हैं। चारपाई पे मामा ने सारे कपड़े डाले हुए हैं और अब क्या करवाना वो भी बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये बहुत ठंडा है। खोलो जा सेम याला, धूप निकाल दे, आज इतनी फोग नहीं है, याला धूप निकाल दे। अल्लाह सोने धूप निकाला है आज, बहुत ठंडक है बहुत ज़्यादा। फिर भी मेरी ना एक आदत है, मैं ना सर्दियों के अंदर चाहे सर्दियाँ हैं ना मैं कुछ भी नहीं, हाथों में ग्लव्स वगैरह सॉक्स वगैरह कुछ नहीं पहनती क्योंकि मुझे बड़ी ज़्यादा ना इरिटेशन होती है। तो मैंने ना बार बार हाथ धोने होते हैं तो 5-5 मिनट बाद तो मैं हाथ धोती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी, आज यहाँ थोड़ी धुंध कम है। सो आसार हैं कि धूप निकलेगी, आसार हैं धूप निकलने के, तो इंशाल्लाह धूप निकलेगी। और दूसरी बात है, रेड क्वीन के बारे में आप पूछ रहे थे कि उसकी मेरी नाराज़गी है। यस उसकी मेरी नाराज़गी है, मैं जो बड़ी मूडी हूँ, मेरे साथ कोई मूड दिखाए मैं फ़ौरन उसके साथ बात करना छोड़ देती हूँ। मेरे साथ कोई अच्छे तरीके से बात करे, अच्छे तरीके से मेरे साथ चले, मैं उसके साथ मोस्ट वेलकम, मैं भी उसी तरह चलती हूँ। लेकिन जब कोई मुझे मूड दिखाए तो फिर भाई मैं नो टाटा बाय बाय कह देती हूँ। तो ये देखें जो कि मैं आपको हर व्लॉग के अंदर दिखा रही हूँ, ये पानी निकलन का ना ही नहीं लहता पिया, इनू फिर ये पानी आया है, इनू फिर थोड़ा जहा पानी इसके अंदर से फिर पानी निकालते हैं। ओह माय गॉड, हाली पेट इतना भारी था। ये देखें ये थोड़ा बहुत पानी है ना, ये निकाल दिया और इसको फिर नीचे कर देते हैं। आए ये भी नहीं खुशक हो रहा, मनुष हुआ भाई ये भी। और बिल्ली खुदा का वास्ता हमारे घर मत आया करो, तुम्हारा घर जहाँ वहीं रहा करो। और यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने जगह, यहाँ पे रात को बैठ के रेड डर्ट तैयार की थी ना, शेप तैयार की थी, वहाँ जगह वैसे ही हुई हुई है, लाल लाल हुई हुई है जगह, जो इसको ब्रश मार के साफ करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने आपको हाल अहवाल दिखाया है कि क्या हाल अहवाल है। इसमें मैंने ना थोड़ी सी सैंड भी लानी है, उतो चकवाने हैं, उतो छापा पवाने हैं, तो उतो सैंड चुकवाने हैं, तो इट भी एक चुकवाने हैं। अच्छी बात है, पास्ट होना चाहिए, टेक्सचर ख़राब हो जाए तो फिर आपको बनाना पड़ जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ ये भाई बीच में बहू आ गए। वो देखें आपको दिखाती हूँ, घर बंद रहे, वो देखें वो लाल लाल ईंटों का काम हो रहा है वहाँ पे।
मैं खुद ही जाऊंगी, गुजारिश करूंगी भाई मजदूर मैनू ए अज कल दी ए एक ईट दे दो बाजी। अगो वो जाएगा क्यों की बाजी तुहानू की क्यों चाहिए, कहूंगी भाई ना ओ ना साडा जरा ना सानू टेक्चर बनाने का शौक है, तो असी ना उहदा टेक्चर बनाना। तो भाई कहीं जे भाई मान गया तो सही है, तो भाई ना थोड़ी देर जा कर लेंगे, तो फिर भाई को ईटा चुक के असं लेवे। बर्फ में हाथ लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बनिया रहिए। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, जिस लड़की के साथ अभी अभी मैं गुड मॉर्निंग जिसको कह कर आई हूँ, वो कपत्ती औरत जो है ना, कपत्ती औरत की यहाँ पे शेपे पड़ी हुई हैं, ना डराए होने देती है। आशा की शेपे चेक करें कितनी मज़े की, कितनी प्यारी शेप सुना के गई है। अच्छा एक आशा का एक बड़ा काम रोज़ाना मुझे तंग करती है, मैं रोज़ाना छत साफ करती हूँ, यहाँ शेपे फेंक देती है, यहाँ ये चार पहिए इसके पीछे सारा जो सारा गंद यहाँ भेज के और ब्रश मार के यहाँ पे मेरी जगह, हालांकि मैं अपनी जगह को इतना नीट रखती हूँ, अपनी शेपे बनाएगी यहाँ से सफाई से, मैं डांटूंगी ना कि जब जहाँ पे शेप बनाई है बैठ के वहाँ से सफाई भी करके आओ चलो, तो वो फिर वो जो है ना ऐसी सफाई खूबसूरत सफाई करके जाती है वहाँ नुकरों में सारी मिट्टी, और यहाँ पे भी मेरी शे जगह भी मिट्टी फुला फुलू के तो नीचे चल जाती है। तो फिर आके मैं उस जब बोलूँगी तो कहेगी मुझे बोल रही है मेरी शेपे खराब कर रही है। तो बस ये हाल है हमारे घर है, ये इसकी जगह है, ये मूडिस मार की जगह है, वो मेरी है, वो छोटी सी मुनकी की जगह है। तो भाई ये था मेरा स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग, स्टार्ट का व्लॉग है। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बन के रहिए, दुआ करें अल्लाह ताला खैर रही से धूप निकाले हमारे शेपे को, थोड़ी बहुत हवा लगे धूप लगे और हमारा अपना अपना काम करें स्टार्ट करें। तो चलते हैं नीचे, दरवाज़ा खोल देते हैं, ताज़ा हवा आए, ठंड बेशक अंदर आए लेकिन ताज़ा हवा अंदर आए। तो चलते हैं नीचे। OMG अभी अभी हमने एक लेटेस्ट ब्रश तोड़ा है, वो देखें हमारा ब्रश टूटा हुआ पड़ा हुआ है, तो हम पीछे जा रहे हैं। धूप निकल आएगी इंशाल्लाह ताला आज। तो वही चलते हैं, एक दफा आपको आशा को फिर छेड़ के दिखाती हूँ जरा मैं। आए आशा तुम इतनी प्यारी शेप्स बना के आई हुई हो ऊपर, और लेकिन तुमने फिर तुमने चार पी के पीछे सारा वो गंद फेंका, तुम्हें कितनी दफा कैसे सफाई सही है। बस सुनने ये आशा, ये देखिए जी रात मैं छत पर आई थी, 2 बजे मैं छत पर आई थी, और अब टाइम अलग क्या हो गया, 4 का टाइम हो गया, 4:50 हो गए हैं, और मैंने तीन घंटे लगा के मैंने रेड डॉट पीसी है, ईंट मंगवाई थी मैंने रेड कलर की, तो उसको मैंने पीसा है, तो थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि हम उस वैसे 3 घंटों से पीस रहे। आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा है, और आप ये रेड कलर देख सकते हैं, ये कितना रिच रेड कलर है। तो ये मेरा चस है, रेड कलर का जो कलर है ना, ये मेरा चस है, ये मैं जब देखती हूँ ना मेरे रेड कलर, मैं जब रेड कलर ईंट मंगवाती हूँ इसी कलर की मंगवाती हूँ, ये फ्रेश रेड कलर है, और जब ये यानी कि बार बार वीडियो बनाने की वजह से फिर वो थोड़ा फेड कलर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर जैसे ही मैं देख मेरा रेड कलर ख़राब हो रहा है, मैं फ्रेश कलर की रेड मंगवाती हूँ, उसको फिर पीस देती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा ना एंड पे जो ग्रीटी टाइप होता है ना, ये उसका मैंने पेस्ट बनाया है, ताकि ये जो है ना बिल्कुल पाउडर, और ये मैं इसके अंदर डालती हूँ, देखिए कितना मज़े का रेड कलर है, पानी आ रहा है मुँह में। मेरे को सब्सक्राइबर कहते हैं मैं आपका ब्लॉग देख के बहुत मज़ा आता है, मुझे मैं अपने आप को थका लेती हूँ लेकिन मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे आपको देखने में आता है। अभी भी मेरे पाँव बर्फ़ में लगे हुए हैं, बर्फ़ में
मैं कब की बैठी हुई, ऊपर मौसम आप देख सकते हैं ठंड हो रही है फिर से। तो ये देखें जी, इसको मैं सारा बाहर निकालती हूँ और मेरी दोरी टूटी हुई है नीचे से। नीचे मैं फोम रखती हूँ ना, ये देखिए बेचारी टूटी हुई है। नीचे इसलिए फोम रखती हूँ कि नीचे साउंड जो है ना क्रिएट ना हो, शोर ना आए फोम रखने की वजह से। तो चलें जी, अब हम दोरी को उठा के पीछे करते हैं, साफ कर लेते हैं। भाई बहुत मेहनत से मैंने रेड रेड बनाई है। चलो इसको मैं बाद में तोड़ लूँगी, अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं। और ये देखें जी कितनी मज़े की रेड रेड है। ये बहुत मेहनत से मैंने अब तक 100 तो ईंट पीस ली है। 3 सालों में मैंने 100 के करीब ईंट पीस ली है। तो जाके जो मेरी रेड डॉट होती है ना, जब मैं इसको फ्रेश करती हूँ, जो पुरानी रेड डॉट का कलर पुरानी रेड डॉट होती है वो दूसरे टेक्चरों में मिला देती हूँ, रेड सैंड में, रेड ग्रीटी रेड डॉट में। तो जब फिर नई वाली होती है वो फ्रेश हो जाती है। इसी तरह मैं पीस पीस के जो है ना, आशा का आज मज़ाक करते हैं। आज मैं आपको दिखाती हूँ आशा मेरे साथ किस तरह लड़ती है। तो व्लॉग को वॉच करना है। और इसकी मैं बना लेंगी हूँ शेप। तो शेप बना के तो फिर इसको रखते हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये क्लियर नहीं हो रहा, ये ब्लर हो रहा है। अच्छा मैं थंबनेल कैसा बनाऊँ, ऐसे 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 ऐसे। तो चले मैं अब इसकी बना लेंगी हूँ शेप, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने बना रही थी रेड डॉट और यहाँ पे मैंने रेड डॉट की शेप्स बना के रख दी हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना। तो अब सारी जगह साफ़ सुथरी कर कर दी, अपना काम शाम कर लिए। तो कितनी प्यारी लग रही है ना। तो मैं जा रही हूँ नीचे जाके अपने हाथ पाँव धोऊँ, गंदे हो गए फुल पटा फॉल। और हम जाते हैं नीचे, फोकस लॉक। ये देखें जी, अब हमने नीचे जाना है और बच्चे भी। हाँ तो शोर पड़ा हुआ है, फुल बटा फुल शोर पड़ा हुआ है। पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मेरे वीडियो बनाने के लिए खाना है। तो 1 घंटे तक ये खाना मेरा तैयार हो जाएगा और उसके बाद फिर साथ जाकर अपनी वीडियो का काम। जी यहाँ पर हो गया मसाला रेडी और मैं इसको जल्दी जल्दी पका रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर जाके वीडियो का भी काम करना है। तो मसाला तो मेरा हो गया तैयार, बहुत स्पीड और स्पीड मसाला तैयार किया। ये नहीं, ये कच्चा पका सही अच्छी तरह से भून रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन, ठीक है। सबसे मुश्किल जो काम है ना वो चिकन जब हम फ्रीज वाली कार के अंदर डालते हैं ना तो उसको मेल्ट करना, यानी कि उसको इसके पोर्शन को सेपरेट सेपरेट करना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आगे मैं कर रही हूँ, बस मेरे साथ में ये रही जी। ये मैंने ना पानी में मामा ने भिगोए थे, इसको मैंने पानी से सेपरेट कर लिया है। और ये जो है ना, अब ये जो है ना, ये चिकन, ये मैं इसको भून रही हूँ, इसके साथ में डाल रही हूँ। ये भाई मेरे पानी का तरीका आप कह रहे हैं बाजू की कर रही है, तो ठीक है ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो अब थोड़ा सा इसको भूनूंगी, इसके बाद इसको प्रेशर। ये है जी शाही कुल्फी, ये है जी शाही कुल्फी जो हम बचपन में बहुत खाते थे, लेकिन अब तो ये चेंज हो गई है। तो चले मैंने वहाँ लगा दिया है प्रेशर, वहाँ लगा दिया है मैंने प्रेशर। और अब मैं जा रही हूँ अंदर, तो बैठ के कुल्फी खाती हूँ। खोए वाली कुल्फी मानी क्लियर हो रही है कि नहीं, अब हो ये क्लियर। तो ये मैं खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सालन तो रेडी हो गया, चलते हैं अब दूसरे काम की तरफ। ब्लॉग के साथ जुड़े हुए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें।
पहले मैं इनको ऐसे ही तोड़ने लगी थी, उंगलियां करती हूँ। क्योंकि मैंने बकेट्स सुपर सॉफ्ट बकेट्स तैयार करनी है। क्रम्बलिंग अपना ही मजा है, यकीन जाने सारी दुनिया की टेंशनें जो है ना इस काम में खत्म हो जाती हैं जब हम काम करने बैठते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं दवा दब वीडियो डाल रही हूँ लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। चलो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ।